यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले किसान सचिन ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से एक और किसान के जान देने का मामला अब सामने आया है। दरअसल सचिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रहते थे और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पिछले कुछ वक्त से खेती में नुकसान हो रहा था। सचिन आर्थिक तंगी से घिर गए। परिवार को पालना ही था तो कर्ज लेकर घर का खर्चा चलाने लगे, लेकिन कर्ज नहीं चुका पाए। कर्जा वापस करने के लिए सचिन पर दबाव बनाया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर अंत में सचिन ने फांसी लगा ली। लेकिन सचिन की आत्महत्या का मामला कोई पहला नहीं है, न ही आखिरी है। अभी कुछ दिन पहले यूपी के इटावा में कर्ज से परेशान होकर दया शंकर ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया और पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। उससे पहले सहारनपुर के सौरभ बब्बर ने, जिसने उधार के बोझ में अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मोदी राज में ऐसे आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। असल में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का लगभग हर किसान कर्ज के बोझ तले दब चुका है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा देश के अन्नदाता को ही सताया है, आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देने का वादा किया था। मोदी जी का वादा जुमला साबित हुआ। आज 2024 में किसान जैसे तैसे मात्र 27 रुपए प्रतिदिन जुटा पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मोदी जी ना ही उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी दे रहे हैं, ना कर्ज से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा रहे हैं। वो केवल और केवल अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ करते हैं, उन्हें अमीर बनाने के लिए सारे प्रयास करते हैं।